Assalamualaikum dear student, hope you all are fine and good in health. Class 1 student, I am Miss Yasmin. Open your math book at page number 42. Dear student, आज हम greater than and less than के बारे में समझेंगे. इस पेज पर आप देख रहे हैं कि क्रोकोडाइल आपको नजर आ रहा है और जिसका मुंह खुला हुआ है. देखिए, ये भूखा है और इसे भूख लग रही है, तो ये किस तरफ ज्यादा जाएगा? जहां ज्यादा चीजें होंगी, इस वजह से ये देखता है कि कहां ज्यादा नंबर है, कहां ज्यादा चीजें हैं, तो ये उस तरफ जाता है. ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि जहां ज्यादा नंबर होते हैं, इसका मुंह उस तरफ खुला हुआ होता है, यानी ये उस तरफ जाता है. आप देख रहे हैं कि 6, अब ये साइन आप देखेंगे, सॉरी 6 नहीं, पहले आप साइन देखें कि ये साइन आपको एक साइन नजर आ रहा है और वो वी की शेप का नजर आ रहा है. जिस तरीके से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई के क्वेश्चन करते हैं, इसी तरीके से ये साइन आपको ग्रेटर देन एंड लेस देन जाहिर कर रहा है. ऐसे देखिए, ये साइन हमें ग्रेटर देन एंड लेस देन जाहिर करता है कि ग्रेटर देन कौन सा है और लेस देन कौन से हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, अब यहां देखें कि इसमें देखिए कि आपको इधर यहां एक ही क्वेश्चन नजर आएगा कि 3 लेस देन 6, 3 लेस देन 6, यानी इस साइन में आपको यहां देखिए, ये वाले क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ है 3 लेस देन 6, यानी 3 छोटा है 6 से. इसी तरीके से जब हम ये क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, पहले पढ़ के फिर हम देखेंगे कि इसमें क्या है, क्या कह रहा है, तो फिर हम ये साइन का मुंह साइन लगाते हैं और देखते हैं कि ये साइन किस तरीके से हमने लगाना है. और आप देख रहे हैं कि खुला मुंह, जब साइन का मुंह ऐसे खुला हुआ होता है तो वो ग्रेटर देन कहलाता है, और जब और ग्रेटर देन जब बड़े नंबर की तरफ होता है. हमेशा देखिए इस क्वेश्चन में 16-13, अब हम नंबर देख रहे हैं कि 16 और 13, आपको ये नंबर नजर आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि 16 जो है वो बड़ा नंबर है 13 से, 16 बड़ा नंबर है 13 से. तो हम इस जो साइन है ग्रेटर देन और लेस देन का, इसका खुला हुआ मुंह हम बड़े नंबर की तरफ करेंगे और हम इसे ऐसे पढ़ेंगे कि 16 इज ग्रेटर देन 13, यानी 16 बड़ा है 13 से. इसी तरीके से अब देखिए एक और क्वेश्चन, 18-11, अब इसे गौर से देखिए इन नंबर्स को कि 18 बड़ा है या 11 बड़ा है. यहां से हम 18 को देखते हैं, 11 को, 18 और 11 को हम दोनों को देख रहे हैं, तो हमें कौन सा नंबर बड़ा नजर आ रहा है, तो हमें 18 नंबर बड़ा नजर आ रहा है. तो आपको मालूम है जब ये साइन हम लगाते हैं ग्रेटर देन एंड लेस देन का, तो ग्रेटर देन जो खुला मुंह है वो हम 18 की तरफ करेंगे और हम इसको ऐसे पढ़ेंगे 18 इज ग्रेटर देन 11. डियर स्टूडेंट, अच्छे तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा में एक और क्वेश्चन कर रही हूँ, आप देखिए 16-19, अब जरा गौर से देखें, जरा आप गौर से देखिए, हमने 16 को देखा, फिर हमने 19 को देखा,
तो आपको इसमें कौन सा नंबर बड़ा नजर आ रहा है? जो नंबर आपको बड़ा नजर आ रहा है आप इस साइन का खुला मुंह उसकी तरफ रखेंगे। तो हमने इस तरीके से साइन लगाया, तो हम देख रहे हैं कि अब हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे। 16 इज लेस देन 19, यानी 16 छोटा है 19 से। और से देखिए, 16 छोटा है 19 से। एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाती हूँ। देखें, हमने लिखा 20-14। अब इसको जरा और से देखिए, आपको दो नंबर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, 20 नजर आ रहा है और 14 नजर आ रहा है। आपने इन दोनों नंबर्स को देखना है कि यहाँ 20 लिखा हुआ है और यहाँ 14 लिखा हुआ है। तो अब हमने इसमें से देखना है कि कौन सा नंबर आपको बड़ा नजर आ रहा है। जब हमने इन दोनों नंबर को देखा तो हमें 20 बड़ा नजर आ रहा है, तो हम इस साइन का खुला मुंह 20 की तरफ करेंगे। तो ये बन जाएगा, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम ऐसे पढ़ेंगे, 20 इज ग्रेटर देन 14, यानी 20 बड़ा है 14 से, यानी 20 बड़ा है 14 से। उम्मीद है कि आपको ग्रेटर देन एंड लेस देन समझ आ गया होगा। बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये देखना है कि क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ नजर आ रहा है और वो जहां ज्यादा चीज होती है वो उस तरफ जाता है, यानी जहां ज्यादा नंबर होते हैं उसका मुंह उस तरफ होता है। तो हमने इसमें ये देखना है कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। अगर बड़ा नंबर होगा तो हम इसका खुला मुंह बड़े नंबर की तरफ कर देंगे और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, आपको समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है कि अपनी नोटबुक निकालनी है, मैथ की, यानी मैथ की कॉपी आप निकालेंगे और इस टॉपिक का पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे ग्रेटर देन एंड लेस देन, फिर इसके बाद आप दूसरी नेक्स्ट पेज पर होमवर्क करेंगे, पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 करेंगे, पेज नंबर 43 करेंगे एक पेज पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 44 करेंगे। यानी आपका जो होम टास्क है, आपका जो होमवर्क है वो दो पेज का है और आप इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे, करके देखेंगे बार बार, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पेज नंबर 43 और 44, यानी ये दोनों पेज आप अपनी नोटबुक पर करेंगे, अपनी कॉपीज पर करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।